Hi guys, welcome back to 12 Minutes to Glad. This is Keshav Malpani, as usual, with another very, very important topic from current affairs for you, which is the Grammy Awards for 2024. Inka nomination abhi aa gaya. This will be announced next year on February 4th, 2024. But nomination aa gaya and it is a very unusual nomination. So our Prime Minister Narendra Modi has been nominated for this award this year. That's why it becomes an extremely important current affair. राइट सो हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. सो अ वेरी गुड इवनिंग, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल. एंड फॉर दोज हु आर सेलिब्रेटिंग छठ फ्रॉम टुडे, सो अ वेरी हैप्पी छठ टू ऑल ऑफ यू गाइस. तो आप लोगों ने काफी ये देखा होगा कि जो मतलब बहुत सारे वीडियोज है हमारे प्राइम मिनिस्टर के, दैट इज यू नो ऑन सोशल मीडिया दीज डेज, जिसको डीप फेक वीडियोज भी बोलते हैं, है ना. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड उनकी आवाज डालकर अ लॉट ऑफ वीडियोज आर जनरेटेड दीज डेज, है ना. दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. सो ग्रैमी ऑब्वियसली वाज नॉट गोइंग टू टेक वन ऑफ दोज वीडियोस. इट इज एन एक्चुअल वीडियो वेयर ही हैज नॉट संग इट बट ही इज अ पार्ट ऑफ इट. उनका एक स्पीच है विच इज अ पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग, ठीक है. सो हाँ, सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू मोदी मेलानी वीडियोज, है ना, ये वो नहीं है. तो वो छोड़ देना सोचना. ऐसे ग्रैमी म्यूजिक का वन ऑफ द टॉप अवार्ड है, इफ नॉट द टॉप मोस्ट, राइट. तो बहुत ऐसे मतलब एस्टैब्लिश्ड और बहुत अकम्प्लिश्ड अचीवमेंट्स के लिए मिलता है, ऐसे डीप फेक और एआई जनरेटेड चीजों के लिए नहीं मिलता है, ठीक है. सो दिस इज नॉट दैट, ओके. सो विल डिस्कस दिस. तो आर प्राइम मिनिस्टर कुड एक्चुअली बी, इट इज एक्चुअली इन लाइन टू गेट अनदर डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्लेड, है ना. जरूरी नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, ही हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर इट राइट नाउ. तो ग्रैमी क्या होता है, ये कौन से सॉन्ग में आ गए, है ना. सो लेट्स ट्राई एंड डिस्कस दैट इन डिटेल, ठीक है. सो इट्स नॉट दैट जो मोदी जी के नाम पर आजकल कुछ भी गाने चलते हैं ना, सारे सॉन्ग आई थिंक इज बीन डब्ड इन हिज लैंग्वेज. इट्स नॉट दैट. चलो लेट्स कंटिन्यू. सो हाल ही में रिकॉर्डिंग अकेडमी, इसका एक डब नेम है रिकॉर्डिंग अकेडमी, मैं आपको आगे जाकर इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, अभी सिर्फ ये देख सकते हो. रिकॉर्डिंग अकेडमी ने ऑफिशियली नॉमिनेशन रिलीज किए 2024 ग्रैमी के, एंड दैट ग्रैमी विल बी अनाउंस्ड ऑन Feb 4th. कहां पे? एट द crypto.com arena एट लॉस एंजेलिस इन US. This is where these Grammys are going to be announced. Okay? So, crypto.com arena mein hone wale. So, isko officially, it is the 66th Grammy Award, jo 2024 mein announce kiye jayenge. And it will air live. To iski bhi aapko story bataunga. Aap likh lo pehle. At CBS Television Network and will stream on Paramount Plus. To wahan ke streaming networks hai ye, US ke. Wahan par kiya jayega ye. I'll discuss this streaming wali story also with you guys. So I will not take a lot of your time today. आज हमारे पास एक ही टॉपिक है, 25-30 मिनट मैक्सिमम, and I will complete it. Okay? So this is what it is. Our Prime Minister is going to feature. तो ये एक बहुत अजीब सा, कह सकते हो एक unusual सा achievement हो जाएगा if he gets it. And I'm pretty sure that no Prime Minister before him has gotten this kind of award. So he will get this kind of an award. तो ये यहाँ पर इसको कह सकते हो कि stream किया जाएगा, right? तो इन अ बिग सरप्राइज, तो दिस इज बीन एडेड बाय मी, नॉट फॉर अस. ऑब्वियसली मोदी जी इतना अच्छा गाते हैं, हमने इतने सारे रील्स देखे हैं उनके, राइट. तो यहां पर दिस इज द नेम ऑफ द सॉन्ग, अबंडेंस इन मिलेट्स, ठीक है. अबंडेंस इन मिलेट्स इज द नेम ऑफ द सॉन्ग दैट फीचर्ड आवर प्राइम मिनिस्टर, एंड दैट सॉन्ग हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर ग्रैमीज, ठीक है. तो मोदी जी का एक कोई स्पीच था, मैं आपको बताऊंगा कौन सा स्पीच था, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सॉन्ग. तो ही हैज नॉट संग एनीथिंग देयर, so that was a part of it जो इसका आया है. तो उसका जो nomination है, that is in the category called best global music performance, best global music performance category में हमको यहां पर हमारे prime minister को nominate किया गया है. और भी कई सारे entries हैं, मैं आपको सारे entries बताऊंगा कि किन किन को nominate किया गया है. so this is for new vocal or instrument global music recordings, जो नई recordings आप करते हो, नए songs जो record करते हो उस पर है ये, ठीक है, लिख सकते हो ये, ओके. तो यहां पर प्लीज राइट दिस डाउन, है ना. और इसके अलावा जो जो भी नॉमिनेशन आपको बताया, तो ये सारे नॉमिनेशन हैं, लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. उरूज अफ्ताब, विजय अय्यर एंड शहजाद इस्माइली फॉर दिस सॉन्ग कॉल्ड शेडो फोर्सेस, है ना. बर्ना बॉय फॉर अलोन, डेविडो फॉर फील, सिल्वाना एस्ट्राडा फॉर मिलाग्रो वाई डिजास्टर,
है ना, देन देर इज दीज पीपल फॉर पाश्तो एंड इब्राहिम मालूफ फॉर तोड़ो कलर्स. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, यू कैन राइट इट एज वेल. ठीक है, लिख लो ये. है ना, ये आई डोंट थिंक एनी ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड दिस सॉन्ग. इस क्लास के बाद सुन सकते हो मे बी, बट ये मतलब, अरे तो ये पता है इसका नाम देखो, व्हाट इज द नेम, आई विल टेल यू. देखो नाम है इसका अबंडेंस एंड मिलेट्स. तो इंडिया ने 2023 में हमने कहा था ना यूएन को कि भाई मिलेट्स शैल बी, इट शुड बी द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डेजिग्नेटेड बाय द यूएन, और यूएन ने ऐसा कर दिया. तो उस पर हमने गाना बनाया था, ठीक है, अबंडेंस एंड मिलेट्स करके. तो उस गाने को ग्रैमी के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है. तो उस गाने के बीच में मोदी जी की एक स्पीच आती है, जो स्पीच के एक्सट्रैक्ट आते हैं मतलब, सो दैट इज व्हाई ही इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट. अदरवाइज इट्स नॉट लाइक अ सॉन्ग सॉन्ग, कोई मूवी का गाना नहीं है ये. ओके, सो दीज आर द सिक्स अदर नॉमिनेशंस अदर देन द वन दैट इज दैट फीचर्स आवर प्राइम मिनिस्टर. सो अगर हम अबंडेंस इन मिलेट्स की बात करें, सो इट वॉज क्रिएटेड इन द सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, राइट. एंड द ट्रैक वॉज क्रिएटेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट यू नो हाउ मिलेट्स आर सो इम्पॉर्टेंट, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं वर्ल्ड हंगर को, तो उसके लिए ये बना था, है ना. और मोदी जी का नाम आ गया उसमें, तो दैट्स हाउ ही गॉट इन टू इट. अदरवाइज इनका ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है. द ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन दैट ही हैज इज द प्राइम मिनिस्टर. तो इन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया था. तो उसकी एक स्पीच में उन्होंने इस बात को कहा था कि मिलेट्स कितने इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, एंड एज अ रिजल्ट दैट वॉज फीचर्ड, उसको फीचर कर दिया गया. तो लिख लो, दिस सॉन्ग हैज बीन संग बाय हस्बैंड एंड वाइफ का एक डुओ है, फालू जिसका एक्चुअल नाम है फाल्गुनी शाह, एंड हर हस्बैंड गौरव शाह. इन दोनों ने मिलके गाया है, फाल्गुनी शाह एंड गौरव शाह. ठीक है, लिख लो ये. तो इट इज कंपोज्ड बाय मुंबई बॉर्न सिंगर सॉन्ग राइटर फाल्गुनी शाह, ठीक है. गौरव शाह उनके हस्बैंड है जिन्होंने साथ में उसको प्रॉपरली कंपोज किया है, लिखा है. एंड अलॉन्ग विद दीज अदर पीपल, लिख लो, केन्या ऑर्टी, ग्रेग गोंजालेस एंड सौम्या चैटर्जी. ठीक है, केन्या ऑर्टी इज ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ दिस पर्टिकुलर म्यूजिक वीडियो. ये म्यूजिक वीडियो आया है, ये आपको मिल जाएगा नॉर्मली यूट्यूब पे मिल जाएगा, क्लास के बाद सुनना, है ना. दिस इज नॉट दैट गड्डिया उचिया रखिया टाइप जो मोदी जी की आवाज में चल रहा है आजकल. दिस इज लाइक रियल सॉन्ग जो वहां पर नॉमिनेट हुआ है. ठीक है, लिख लिए ये नाम सबने. चलो, तो शी इज बीन जो पर्सन फालू शाह और फाल्गुनी शाह, उनको तो कई बार नॉमिनेट करा गया इस चीज के लिए. शी इज बीन क्वाइट अकम्पलिश्ड इन दिस फील्ड. 2022 में शी इनफैक्ट वन दी ग्रैमी फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम फॉर एल्बम कॉल्ड अ कलरफुल वर्ल्ड. तो इनको तो कई बार किया गया है, इनफैक्ट उन्होंने लास्ट ईयर जीता भी था 2022 में, लास्ट टू लास्ट बोल सकते हो. शीरमैन वन इट, उनके जो हस्बैंड है उनका और इन फाल्गुनी शाह का एक साथ में बैंड भी है, एंड दैट बैंड इज कॉल्ड फोरेस्ट रोड. ठीक है, दैट बैंड अलॉन्ग विद हर हस्बैंड गौरव शाह इज कॉल्ड फोरेस्ट रोड. तो ये काफी ज्यादा आर्टिस्टिक से डुओ है. ठीक है, लिख लो, है ना. तो आर प्राइम मिनिस्टर कोलैबोरेटेड विद दीज पीपल, देयर मतलब नॉट एग्जैक्टली अ कोलैबोरेशन, बट ही वाज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच दैट केम. तो सॉन्ग फिगर्स अ पार्ट ऑफ सर्टेन स्पीचेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एंड दैट इज हाउ इट केम. सो ही गेव दी स्पीच कॉल्ड मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस थी कॉल्ड ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस, या फिर श्री अन्न कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, इन 2023 दिस ईयर इन दिल्ली, मार्च में हुआ था ये. ठीक है, तो ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक स्पीच दी थी, एंड अ पार्ट सम एक्सट्रैक्ट्स ऑफ दैट स्पीच वर मेड अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग. सो दैट इज हाउ मोदी जी कोलैबोरेटेड, राइट. सो दिस कोलैबोरेशन टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड फॉर हिम. नाउ ही हैज बीन यू कुड से टेकन फॉर ग्रैमी, राइट. तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ, कर्म अच्छे करते जाओ, है ना, अच्छी बातें करो, तो क्या पता आपकी चीज कहां पर चले जाए और आपको क्या मिल जाए. लाइव एग्जाम्पल है हमारे मोदी जी. ठीक है, सो शी रिवील्ड दैट द आइडिया फॉर द सॉन्ग इमर्ज ड्यूरिंग अ मीटिंग दैट हैपेंड लास्ट ईयर इन 2022.
आफ्टर शी वन दी ग्रैमी। तो ग्रैमी अगर इतनी अच्छी चीजें जीतते हो तो होता है ना, प्राइम मिनिस्टर आपको बुलाते हैं, उनसे मुलाकात होती है, डिस्कशन होता है। तो इट वॉज लाइक दैट काइंड ऑफ मीटिंग लास्ट ईयर व्हेन शी वन दैट फॉर अ चिल्ड्रंस वाला जो एल्बम था। तो उन्होंने बोला कि वी कैन मेक अ सॉन्ग लाइक दैट, इस तरीके का एक सॉन्ग हम बना सकते हैं। तो इट वॉज मोदी जी हु सजेस्टेड दैट क्रिएटिंग अ सॉन्ग शैल बी डन टू एड्रेस दिस हंगर इशू। एंड दिस सॉन्ग वॉज रिलीज ऑन जून 16 दिस ईयर अक्रॉस वेरियस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। फिर इसको ऑल ओवर दी वर्ल्ड रिलीज किया गया। ग्रैमी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सॉन्ग्स को मिलता है, या फिर नॉमिनेट क्यों नहीं सॉन्ग्स को किया जाता है जो यूएस में रिलीज किए गए। अगर यूएस में नहीं रिलीज हुआ आपका सॉन्ग तो उसको नहीं मिलता ग्रैमी। ओके, सो दैट्स हाउ दिस स्टोरी यू कुड से स्टार्टेड एंड नाउ देयर इन द ग्रैमीज, है ना। तो मतलब इट इज, अगर देखा जाए तो इट इज नॉट एग्जैक्टली एक्चुअली द प्राइम मिनिस्टर। वो तो न्यूज की हेडलाइन सारी ऐसी आई है कि भाई आर प्राइम मिनिस्टर हैज बीन नॉमिनेटेड एंड ऑल, एक्चुअली लाइक ही हैज नो कॉन्ट्रीब्यूशन पर से, बट ठीक है, हु इज अ पार्ट ऑफ इट ना, तो कुछ भी हो तो कॉन्ट्रीब्यूशन तो हो ही गया। तो ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में थोड़ा सा समझ जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड्स आर द मोस्ट प्रेस्टिजियस म्यूजिक अवार्ड इन द वर्ल्ड। हर साल ये मिलते हैं, 66th एडिशन है इसका इस बार, राइट, 2024 में। तो इट रिकॉग्नाइज म्यूजिशियंस ऑफ एवरी एज एवरी जॉनर एट द रिकॉर्डिंग अकेडमी। इसका पूरा नाम मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग अकेडमी डज इट। ओके, तो ग्रैमी अवार्ड जैसे इट स्टार्टेड एट द ग्रामोफोन अवार्ड्स। ये जब स्टार्ट हुआ था इसका नाम था ग्रामोफोन अवार्ड्स, 58 में टुक प्लेस, बट पहली बार देना शुरू किया था 59 में, मतलब 58 के अवार्ड अगले साल दिए थे, है ना, 58 ईयर के ही थे। सो द अवार्ड इज प्रेजेंटेड एनुअली इन द यूएस। और जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो बता रहा था ना आपको, रिकॉर्डिंग अकेडमी, उसका एक्चुअली नाम है NARAS, विच इज नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस। दिस इज कॉमनली और पॉपुलरली कॉल्ड एज रिकॉर्डिंग अकेडमी। तो ये हर साल इस अवार्ड को देते हैं, नारस लिख लो प्लीज, ठीक है, ठीक है। ये तो भाई, तो मेरे पास में किसी की शादी हो रही है, पूरे दिन गाने बजते रहते हैं, है ना। एनी वे दिस विल नॉट लाइक स्टॉप अस फ्रॉम स्टडिंग, है ना, हम हर एडवर्सिटी में पढ़ के दिखाएंगे, ठीक है। सो टू बी एलिजिबल, अगेन मैंने आपको बताया ना, अगर आपको ग्रैमी के लिए एलिजिबल होना है ना, आपका गाना यूएस में रिलीज होना जरूरी है, ठीक है। तो बिटवीन 1st अक्टूबर ऑफ द प्रीवियस ईयर टू द मिडनाइट ऑफ द 30th सितंबर ऑफ द गिवन ईयर, मतलब अभी के जो नॉमिनेशन है ना वो उस सॉन्ग के हैं जो 30th सितंबर 2022 से लेके 1st अक्टूबर 2022 से लेके 30th सितंबर 2023 तक के सॉन्ग है। तो ये तो जून में रिलीज हुआ था, तो दिस फॉल्स विद इन दिस टाइम फ्रेम, राइट। तो वो वाले सारे जो सॉन्ग्स हैं वो अगले साल फरवरी 4th को जो ग्रैमी दिया जाएगा वो उसी वाले सॉन्ग्स को दिया जाएगा जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। तो हर साल इसको ऐसे इस तरह से देखा जाता है। अभी ऐसा ये पहले पहले जब ये स्टार्ट किए गए थे तो 58 से 71 तक देवर नॉट टेलीवाइज्ड एट ऑल, इनको दिखाया ही नहीं गया था कहीं भी, है ना। देर वॉज नो ब्रॉडकास्टिंग ऑफ दिस अवार्ड, क्योंकि नए भी थे, इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी भी नहीं था। धीरे धीरे इट बिकेम वेरी पॉपुलर, है ना, धीरे धीरे जाके काफी पॉपुलर हो गए। तो मैं आगे जाके बताता हूँ, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लिए गए थे। इसको उसके बाद में एनबीसी, विच इज द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इन यूएस, दैट स्टार्टेड यू कुड से ब्रॉडकास्टिंग इट अराउंड द ईयर, ठीक है। फिर 1971 के बाद में दिस पर्सन कॉल्ड पियर कॉसेटर, दिस पर्सन परचेज द राइट्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वहां के जो प्लेटफॉर्म है वहां पर होने वाला है, तो दैट इज हाउ इट हैपेंस नाउ, ठीक है। सो इट वॉज फ्रॉम हियर दैट ग्रैमी अवार्ड्स वर टेलीकास्टेड लाइव एवरी ईयर। तो अब तो लाइव ही होंगे, है ना, लेट्स होप ऑस्कर की तरह किसी को थप्पड़ थप्पड़ ना मारे, राइट। तो ये दिस इज हाउ दिस वर्क्स, ठीक है, लिख लो प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस, फटाफट मतलब कंटिन्यू करते हैं। सो टोटली 94 कैटेगरीज में दिया जाएगा इस साल। नई कैटेगरीज में आपको बता देता हूँ कि नंबर लिख लेना। कैटेगरीज आर डिवाइडेड इनटू 11 फील्ड, मतलब 11 फील्ड्स आर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 94 कैटेगरीज, डाउन फ्रॉम 26। पहले 26 हुआ करती थी, अभी 11 कर दिया गया है, ठीक है। तो इस साल तीन नई कैटेगरीज एड की गई है 2024 ग्रैमीज के लिए। बेस्ट अफ्रीकन म्यूजिक परफॉर्मेंस, बेस्ट ऑल्टरनेट जैज एल्बम एंड बेस्ट पॉप डांस रिकॉर्डिंग। ये तीन कैटेगरीज नहीं है, दिस इज ओनली फॉर, मतलब ओनली फॉर नहीं, एडेड ओनली दिस ईयर, है ना। अब तो आगे तक तो चलेंगी चलेंगी नेक्स्ट ईयर से,
बट दीज थ्री कैटेगरीज हैव बीन एडेड, इसको लिख लो प्लीज। ठीक है, तो प्लीज राइट दिस डाउन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है सबको, मेरी आवाज आ रही है, आई थिंक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी आ रहा है, बट चला लेंगे, है ना, सह लेंगे थोड़ा। चलो मूविंग अहेड विद दिस। सो यहां पर ये जो कैटेगरीज है, देर आर कैटेगरीज अवॉर्डेड ईच ईयर विच कंपास ऑल जॉनर एंड म्यूजिक टाइप। तो ये चार कैटेगरीज है, दुनिया में सिर्फ दो ही लोग हैं आज तक जिनको सारी चारों कैटेगरीज में अवार्ड मिला हुआ है, ग्रामी। राइट, तो बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, सॉन्ग ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ये चार कैटेगरीज होती है, इस बहुत ही प्रेस्टीजियस होती है चारों। सो अडेल एंड क्रिस्टोफर क्रॉस, दीज आर टू पीपल, क्रिस्टोफर क्रॉस एंड अडेल आर ओनली द टू पीपल हु हैव गॉटन इन ऑल फोर कैटेगरीज। एंड अडेल तो आई थिंक एवरीबडी इज क्वाइट अ फैन, है ना, तो अडेल और क्रिस्टोफर क्रॉस आर टू पीपल, क्रिस्टोफर क्रॉस टू सम एक्सटेंट। राइट, सो यहाँ पे दिस इज हाउ दिस वर्क्स, मैं आपको और भी बताऊंगा, इसके प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा अभी, है ना, आई एक्सप्लेन दी प्रोसेस एज वेल। चलो, सो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, आज हमने सुबह 11 बजे एक मैराथन की थी ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स, मैं वहां से कंटिन्यू करने वाला हूँ कल इन द पार्ट टू ऑफ दैट, तो प्लीज आप बी अवेलेबल फॉर दिस पार्ट टू। ऐसा नहीं कि कल सो रहे थे सर हम, तो सैटरडे था, नहीं, पार्ट टू सुबह 11 बजे हम लोग करेंगे इसको, तो बी अवेलेबल अगेन। आज वाली मैराथन इस क्लास के बाद देख लेना, छोटी क्लास ही कर रहे हैं आज हम, है ना, तो प्लीज हैव अ लुक एट दैट। उसके अलावा आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो विच इज 12 मिनट्स टू क्लैट, और वेबसाइट पे भी जा सकते हो, सेम थिंग, 12 मिनट्स टू क्लैट.com पे, एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग विद अस। ठीक है, वी लॉन्च दिस कोर्स येस्टरडे, इसकी सिर्फ दो ही क्लासेस हुई है, एक कल और एक आज, तो आप एनालिटिकल रीजनिंग अगर आपको सीखना है फ्रॉम स्क्रैच, वी विल टीच यू एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस, जाकर आप देखो ऐप पर, इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली चीप, एंड सेम हियर, यहाँ पर इसका आज और कल के लिए वी हैव रिड्यूस द प्राइस ऑफ द करंट अफेयर्स कोर्स, बिकॉज ऑफ कुछ ही दिन बचे, एंड वी अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ यू आर अंडर अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस, तो आप इसका एडवांटेज भी ले सकते हो, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद अस फॉर दिस टू। राइट, अब इसका प्रोसेस समझते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस। तो यहाँ पर जो ग्रैमी का वोटिंग प्रोसेस होता है ना, दे आर फर्स्ट बिगिन विद मेंबर एंड रिकॉर्डिंग कंपनी सबमिटिंग, मतलब नॉर्मल सी बात है, आज अगर मेरे को ग्रैमी चाहिए, मेरे को नॉमिनेट होना है, तो मेरे को पहले सबमिट करना पड़ेगा अपना वर्क, तो दैट इज लाइक बेसिक, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर उसको स्क्रीन किया जाता है कि आप एलिजिबल हो और किस कैटेगरी में आप आ सकते हो। देन देयर इज एन ऑनलाइन एंट्री प्रोसेस जो जुलाई में शुरू होता है और अगस्त तक एंड तक खत्म होता है, ये लिख सकते हो। ठीक है, देयर इज एन ऑनलाइन एंट्री प्रोसेस जिसका एक्सेस पीरियड जुलाई मिड से लेके अगस्त एंड तक रहता है। ओके, आर वी क्लियर विद दिस? सो फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग हैपेंस इन अक्टूबर, द सेकेंड राउंड ऑफ द फाइनल राउंड हैपेंस इन दिसंबर टू स्टार्टिंग जैन, और अवार्ड दिया जाएगा 4 फरवरी को, ये इस साल की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ आपसे, ओनली फॉर दिस ईयर। राइट, हो सकता है डेट आगे पीछे थोड़ी होती हो हर साल, बट इस साल दिस इज द डेट। आई डोंट थिंक दिस एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, बट दिस वुड बी इंपॉर्टेंट, बट जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड लिख लो ये भी, सो दैट वी आर ऑन द सेफ साइड। ठीक है, प्लीज लिख लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, सो राइट दिस डाउन प्लीज। नाउ द एकेडमीज वोटिंग मेंबर्स ऑल इन्वॉल्व्ड इन द क्रिएटिव एंड टेक्निकल प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग देन पार्टिसिपेट इन सर्टेन थिंग्स। क्या होता है फिर, होता है नॉमिनेशन प्रोसेस, हर कैटेगरी का नॉमिनेशन प्रोसेस होता है, 5 फाइनलिस्ट होते हैं मोस्टली। ठीक है, उसके बाद में फाइनल वोटिंग प्रोसेस होता है दैट डिटरमिन्स द ग्रैमी विनर्स, वो 4 फरवरी को होगा, वो अभी नहीं होगा, है ना, तो मतलब नॉमिनेशन एंड सिलेक्शन वही तो बात है यहाँ पे। अब रिकॉर्डिंग एकेडमी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, जो एक्चुअली यू नो दैट काइंड ऑफ रिलीजेस इट एवरी ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे 1957 में इसको बनाया गया था, 58 से अवार्ड शुरू हुए, 59 से मिलने, लेकिन 58 से एक्चुअली शुरू हो गए थे। हेडक्वार्टर इसका है कैलिफोर्निया स्टेट में, एक जगह सेंटा मोनिका। ठीक है, सेंटा मोनिका इन द यूएस, देयर राइट नाउ द सीईओ इज हार्वी मेसन जूनियर, हार्वी मेसन जूनियर इज करेंटली द सीईओ ऑफ द रिकॉर्डिंग स्टूडियोज और द रिकॉर्डिंग अकेडमी। ठीक है, प्लीज लिख लो ये, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट गाइस, है ना, प्लीज ये लिख लेना, ये काफी पूछा जाता है ये सारी चीजें, अगर ग्रैमी पर क्वेश्चन आया तो। ओके, तो नोटेबल विनर्स की अगर हम बात करें, द हाइएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड इन ग्रैमी हैज बीन वन बाय बियॉन्से, 32 अवार्ड जीते उन्होंने, 32 ग्रैमी शी हैज वन। इंडिया की अगर हम बात करें तो पंडित रविशंकर इज द फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैमी इन 1968,
तो इन्होंने जीता था, इनकी एक एल्बम थी वेस्ट मीट्स ईस्ट, ठीक है, वेस्ट मीट्स ईस्ट, तो दिस वॉज द बेस्ट चेंबर म्यूजिक परफॉर्मेंस करके कैटेगरी थी, उसमें इनको मिला था. सो ही इज द फर्स्ट इंडियन टू डू दिस, राइट, इज द फर्स्ट इंडियन टू गेट दिस काइंड ऑफ एक्लेड इन 1968, 10 years आफ्टर इट हैड स्टार्टेड. ओके, देन तन्वी शाह, स्लमडॉग मिलियनेयर आई थिंक इज अ वेरी फेमस मूवी, इसको ऑस्कर्स मिले थे उस समय. तो तन्वी शाह ने उस पर्टिकुलर में परफॉर्मेंस इन अ सॉन्ग कॉल्ड जय हो, बहुत फेमस, AR रहमान को इसके लिए ऑस्कर मिला था. तो उसको, शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट अ ग्रैमी, तो स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए उनको मिला था. ठीक है, लिख लो ये, है ना, स्लमडॉग मिलियनेयर काफी फेमस हुई थी उस समय. सो इंडियंस इन 2024 की अगर हम बात करें, तो और मोदी जी के अलावा कितने नॉमिनेशंस हुए हैं, तो इस बार तो हमारी कैटेगरी में ही है, हमारी मतलब अबंडेंस ऑफ मिलेट्स जो कैटेगरी है ना, उसी कैटेगरी में 500 करके मैंने आपको बताया था वो सॉन्ग है. तो दैट इज बीन इंस्ट्रूमेंट कोलेबोरेशन ऑफ बेला फ्लेक, एडगर मायर एंड उस्ताद जाकिर हुसैन. उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा इंस्ट्रूमेंट के लिए इनका बहुत बड़ा नाम है बताओ? जाकिर हुसैन इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स? इट्स, ही इज द मोस्ट फेमस फेमस फेस इन इंडिया फॉर दैट इंस्ट्रूमेंट, बताओ. तबला, है ना, उस्ताद जाकिर हुसैन इज फेमस फॉर हिज तबला स्किल्स. ठीक है, उसके उसके बाद जो ये नॉमिनेशन है, इट ऑल्सो एक्नॉलेज समथिंग कॉल्ड एज वी स्पीक. तो दिस देयर इज दिस फ्लूट आर्टिस्ट, इसको फ्लॉटिस्ट बोलते हैं. फ्लूट होती है ना, फ्लूट इज बेसिकली वो नॉट शहनाई, मतलब जिसको आप ब्लो करते हो, है ना, इट्स लाइट काइंड ऑफ, जिसको अच्छे प्रॉपरली से बजाते. तो बाय राकेश चौरसिया, राइट. तो यहां पर विद दी नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मुंबई बेस्ड फ्लॉटिस्ट कॉल्ड राकेश चौरसिया. फ्लूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बांसुरी, बांसुरी, करेक्ट. मैं वही सोच रहा हूँ यार, भी फ्लूट तो बहुत ही नॉर्मल सा इसका वर्ड होता है. मेरे को बचपन में शौक लगा था एक बार बांसुरी बजाने का, कि मतलब ना मेरे को लगा था मैं सीख लेता हूँ, लेकिन मैं तो आबू में रहता था, तो वहां पे कुछ सीखने का तो ऑप्शन था ही नहीं, तो मैं खुद ही खरीद के ले आया था और मैं खुद ही कोशिश करता था, बट बहुत ही गंदी बस्ती थी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया 3-4 दिन में. 3-4 दिन का शौक लगा था एक बार कि मुझे आना चाहिए. एक बार फ्लूट का लगा था, और एक बार वो माउथ ऑर्गन देखा है अपने, जो उसको ऐसे करके वो बजाते हैं, तो मेरे को उसका भी एक बार शौक लगा था, बट मेरे को दोनों ही कभी आए नहीं. और आए अपने आप तो आते भी कैसे, उस टाइम यूट्यूब वगैरह भी नहीं था, और मैं लाया भी सस्ते वाले था, मतलब फिर मुझे बाद में पता चला कि जो एक्चुअली फ्लूट बजाते हैं उनके पास जैसे बढ़िया मिनिमम 8-10 हज़ार रुपए की फ्लूट होती है, मैं लाया था 50 रुपए की, तो उसमें कुछ ही नहीं बज रहा था उसमें, तो मतलब वो थोड़ा और अगर उस पर अगर हाथ रख दो तो एकदम ही सांस बचती थी, सब कुछ बचता ही नहीं था, तो कैसे कैसे होगा वो. ठीक है, तो इंडिया थर्ड नॉमिनेशन इज ऑल्सो द सेम कैटेगरी विच इज शेडो फोर्सेस. तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है इंडिया और पाकिस्तान का मिलके, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के आर्टिस्ट ने मिलके किया है. एंड दीज कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूड ब्रुकलिन बेस्ड पाकिस्तानी म्यूजिशियन कॉल्ड अरूज अफ्ताब, एंड एन इंडियन ओरिजिन जैज पियानिस्ट कॉल्ड विजय अय्यर, ठीक है, एज वेल एज शहजाद इस्माइली. तो इंडिया और पाकिस्तान के लोगों ने मिलकर ये किया है. ठीक है, तो ये तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है स्टार्टिंग में, जो सारे नॉमिनेशन हैं मिलेट्स के अलावा, अबंडेंस ऑफ मिलेट्स के अलावा, राइट. सो द आर्टिस्ट वॉज नॉमिनेटेड अंडर द कैटेगरी की बेस्ट ऑल्टरनेट जैज एल्बम, इसमें, ठीक है, सो इट इज फॉर लव इन एक्साइल बाय दीज थ्री पीपल. ठीक है, तो ये मतलब आप कह सकते हो, तो देर इज दिस म्यूजिक बैंड कॉल्ड शक्ति. ठीक है, तो हुसैन इज ऑल्सो फाउंड अ नॉमिनेशन एज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो, जाकिर हुसैन, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी. ठीक है, लिख लो ये, है ना. सो देयर इज अनदर नॉमिनेशन इन्वॉल्विंग एन इंडियन ओरिजिन आर्टिस्ट कॉल्ड प्रियदर्शनी. तो शी इज ऑल्सो, मतलब मैं आपको सिर्फ इंडियन नॉमिनेशन बता रहा हूँ अभी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो ऑब्वियसली जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तो पूछा जा सकता है, बट ये सारी चीजें पूछी जा सकती है, तो ये लिखना इंपॉर्टेंट है, इसकी लिस्ट बना सकते हो आप. ठीक है, तो ऑन बिकमिंग करके एक एल्बम है उनका, है ना, बाय द जैज फ्यूजन एक्ट हाउस ऑफ वाटर्स करके. तो हाउस ऑफ वाटर्स में शी इज अ पार्ट, तो उन्होंने ऑन बिकमिंग करके एक वो बनाया, उनकी कैटेगरी है बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम, तो उसमें शी इज नॉमिनेटेड. तो ग्रैमी तो बहुत तरह से मिलता है, मतलब कई बार तो लोग गाते भी नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में भी मिल जाता है. तो अलग अलग काइंड ऑफ म्यूजिक एंड ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक, ऑल जॉनर आर अप्रिशिएटेड एंड रिवॉर्डेड, राइट. लिख लिया ये सबने.
चलो अब लास्ट चीज बता रहा हूं मैं आज के लिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो 2023 एज सजेस्टेड बाय इंडिया टर्न्ड आउट टू बी द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, यूएन अप्रूव्ड इट। तो सबसे पहले अब उसको अप्रूव किया था यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने। वंस दे डिड इट, द प्रपोजल वेंट टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जहां से भी इसको किया गया। एंड दिस ईयर 2023 इज ऑफिशियली द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इसको इंडिया ने ही आगे बढ़ाया था, बिकॉज मिलेट्स के साथ क्या होता है, मिलेट्स एक तो सस्ते होते हैं एंड मिलेट्स आर वेरी न्यूट्रिशियस ऑल्सो। तो सस्ते में आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हो। सो इन कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल टू फीड, अफ्रीका जहां पर काफी ज्यादा पॉवर्टी और हंगर का प्रॉब्लम है, उसको एलिवेट करने में काफी काम आ सकती है। तो इंडिया ने इसको 2018 में रिकॉग्नाइज कर दिया था एज द नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इंडिया में 2018 में नेशनल ईयर आ गया था, 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इस साल है, राइट? सो इट रिसीव्ड अप्रूवल ऑफ द जनरल असेंबली इन 21 इन द 75th सेशन। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, एक तरह से कह सकते हो कि हम काफी ज्यादा आगे भी हैं इसमें। मल्टीग्रेन चीजें आती है ना मार्केट में इतनी सारी, तो उसमें काफी सारा मिलेट्स होता है। ऑल्दो मिलेट अपेरेंटली कंपेरेटिवली सस्ता होता है ना, लेकिन मल्टीग्रेन बोल के उसको बेवकूफ बना के महंगा भेज देते हैं। बट दिस इज हाउ दिस वर्क्स, राइट? तो इंडिया बोल रहे हैं कि भाई मिलेट को ऑल्टरनेटिव बोल सकते हो, क्योंकि अभी क्या है कि नॉर्थ इंडिया में स्टेपल डाइट इज व्हीट, है ना? अगर जो भी, अगर इफ यू आर अ नॉर्थ इंडियन, तो अगर आपको 2 दिन रोटी नहीं मिले तो आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है। सिमिलरली इफ यू आर अ साउथ इंडियन, अगर आपको राइस नहीं मिले 2 दिन आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है, राइट? तो राइट एंड वीट इज आर, वीट इज आर स्टेपल फूड, उसको उसमें चीजें ऐड कर रहे हैं। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, है ना? सो दैट्स इट, है ना, विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। आज एक ही कर रहे हैं छोटा क्लास, बिकॉज वी डिड अ क्वाइट बड़ा क्लास इन दी मॉर्निंग टुडे। कल भी 11 बजे वापस से मिलेंगे, है ना? उससे पहले यू कैन गो टू आर वेबसाइट विच इज 12minutesToClat.com, यूज दिस, टेक अ लुक थ्रू दी कोर्सेज, यू विल डेफिनेटली लाइक इट, है ना? हम लोग डिस्कस करेंगे काफी सारे क्विजेस टिल दी एग्जाम। आपको पुरानी क्लास की रिकॉर्डिंग भी सारी मिल जाएगी। यू कैन टेक अ क्रैश कोर्स ऑल्सो, अगर आपको मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट सब कुछ मिल जाएंगे। और इस क्लास के बाद में मैं एक सेक्शनल टेस्ट अपलोड कर रहा हूँ करंट अफेयर का ही आप लोगों के लिए, है ना? तो वो अप्लाई हो जाएगा, मतलब दैट विल बी लाइव आई थिंक बाय आई वुड से 10:30 टाइप्स। तो आप वो भी दे सकते हो, जो जो लोग भी इधर टेस्ट सीरीज या फिर क्रैश कोर्स के पार्ट या फिर करंट अफेयर्स कोर्स के पार्ट हो। ठीक है, बाय गाइस, थैंक यू, गुड नाइट।